टाइम फ्रेम ऑफ द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री इज जनरली डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर पीरियड्स, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। द लेंथ ऑफ अ पीरियड में डिफर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया द मिडिवल पीरियड बिगेन अराउंड द 8th सेंचुरी एडी एंड कंटिन्यूड अप टू 18th सेंचुरी। द बिगनिंग ऑफ द मिडिवल पीरियड इज कैरेक्टराइज बाई चेंजेस इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्पीयर्स, वाइल इट्स एंड करस्पॉन्ड्स टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। द मिडिवल पीरियड इन इंडिया इज जनरली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, द अर्ली मिडिवल पीरियड एंड द लेट मिडिवल पीरियड। तो किसी भी देश का जो इतिहास होता है उसको तीन मुख्य कालों में विभाजित किया जाता है, पुरातन, मध्य और आधुनिक। तो वर्ल्ड्स के अलग अलग पार्ट में ये जो समय काल होता है ये अलग अलग डिफाइन किया जाता है, अलग अलग हो सकता है। भारत में जो मध्यकालीन काल था वो 8वीं शताब्दी एडी के आसपास शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी तक चला। जो मध्यकालीन काल की विशेषताएं हैं वो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो चेंजेस थे, परिवर्तन थे, उनके अकॉर्डिंग किया गया। और ये ख़त्म होता है जब मुगलों ने यहाँ पर शासन करना ख़त्म कर दिया, या मुगलों का शासनकाल ख़त्म हुआ। भारत का जो मध्यकालीन काल है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जो अर्ली मिडिवल पीरियड है और जो लेट मिडिवल पीरियड है। मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, तो क्या क्या मुख्य डेवलपमेंट्स हुए मध्यकालीन काल में। द मिडिवल पीरियड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स, तो जो मध्यकालीन काल है वो निम्नलिखित रीजन्स के लिए महत्वपूर्ण है। वी आर मोर फेमिलियर विद दिस टाइम ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट इंफॉर्मेशन। हम लोगों के पास इस काल की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, इसलिए हम लोग इस काल के साथ ज़्यादा फैमिलियर हैं। मोस्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषाएं इसी काल में डेवलप हुई। आवर फूड एंड ड्रेसेस ऑल्सो अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमारा जो खान पान और पहनावा था वो उसमें भी काफ़ी सारे महत्वपूर्ण बदलाव हुए और विकसित हुए इसी काल में। न्यू रिलीजन्स लाइक दीन ए इलाही एंड सिखिज्म एंड मैनी ऑफ आवर रिलीजियस बिलीफ, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ओरिजिनेटेड इन दिस पीरियड। इसी काल में कई नए धर्म जैसे दीन ए इलाही और सिखिज्म शुरू हुए और हमारी धार्मिक सोच और सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं भी काफ़ी ज़्यादा इस काल में उभरी। द यूनिक इंडियन कल्चर डेवलप्ड विद द फ्यूजन ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम कल्चरल ट्रेड्स, द इंटीग्रेशन इज रिफ्लेक्टेड इन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग एट्सेट्रा ऑफ द टाइम। तो जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति थी, तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मेल मिलाप हमें इस काल में ज़्यादा दिखता है और इसी एकता में, इनकी एकता का जो रिजल्ट है वो हमें इस काल की आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग वगैरह में भी दिखता है। द एफर्ट्स ऑफ भक्ति सेंट्स एंड द सूफीज ब्रॉट अबाउट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, विच लेड टू द ग्रेटर हार्मनी एंड टॉलरेंस अमंग पीपल। इसी काल में भक्ति संत और सूफी हुए जिन्होंने लोगों के अंदर भाईचारे और सहनशीलता जगाई और उन्होंने हिंदुज और इस्लाम के जो मूल उद्देश्य थे उनको भी बताया। द इंस्टीट्यूशन ऑफ वेल मिंटेड करेंसी लेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स। इसी काल में करेंसीज या सिक्कों का एक उचित प्रकार से लेन देन शुरू हुआ, जिसने हमारे देश के वित्तीय विकास में योगदान दिया और हम लोगों ने ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार वगैरह में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। कृषि में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुए। मैनी यूरोपियन कंट्रीज अट्रैक्टेड बाय द इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी ऑफ इंडिया ट्राई टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। बहुत सारे यूरोपियन देश थे वो भारत के वित्तीय विकास से
अट्रैक्ट हुए और उन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए। हाउएवर द पोजिशन ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी डिटोरिएटेड फर्दर। हालांकि जो औरतों की स्थिति थी सोसाइटी में, समाज में, वो गिरती ही जा रही थी।